Hello kids, welcome to Kalp Channel. Today I am going to explain the topic Neha's Alarm Clock, which is a part of Unit 1, Class 4, Marigold book. This is NCERT syllabus. So let's start Neha's Alarm Clock. Ring, ring, ring. एक घड़ी है जिसकी घंटी बज रही है. Ring, ring, ring. Off goes the alarm clock at 6 in the morning. ये जो घड़ी है छोटी सी जो आपको यहाँ पर दिख रही है ये अलार्म क्लॉक है जो सुबह 6 बजे के लिए इसमें अलार्म टाइम सेट किया है तो ये सुबह ही 6 बजे बजने लग जाती है जोर जोर से रिंग रिंग रिंग. ओके नेहा मेक्स अ फेस. अब नेहा जो लड़की है जिसकी ये अलार्म क्लॉक है इसे थोड़ी चिढ़ हो जाती है जैसे ही अलार्म बज जाती है तो वो थोड़ा अपना चेहरा बनाती है. शी मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विद अ पिलो. तो आप देख सकते हैं फोटो में किस तरीके से नेहा अपने कानों को ढकने की कोशिश कर रही है तकिए के थ्रू. स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट. वो कोशिश करती है थोड़ी और झपकी लेने की अपने कंबल के अंदर जो थोड़ा अभी गर्म है तो उसे थोड़ा और सोने का मन कर रहा है. बट शी नोज शी हैज टू गेट अप. लेकिन नेहा जानती है कि उसे तो उठना ही पड़ेगा. शी मटर्स टू हरसेल्फ. वो अपने आप बुदबुदाती है मनी मन वो बुदबुदाती है. दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड. ये जो घड़ी है ये हमेशा 6 बजे बजने लगती है और मुझे अपने बेड से बाहर निकाल देती है. इट्स सो अनफेयर. ये बहुत गलत है. ओह हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग. तो नेहा सोचती है कि काश मुझे और सोने मिलता सुबह सुबह. आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स. काश ये घड़ी अपना काम करना मतलब घड़ी का जो काम है वो है ट्रिंग ट्रिंग जो अलार्म है वो बजाना. काश ये घड़ी कभी कभी ना बजे और ये अपना जॉब भूल जाए ऐसा नेहा मन ही मन सोचती है. समथिंग फॉल्स. नेहा स्माइल्स. अचानक कुछ गिरता है और नेहा हंसने लगती है. ओ माई क्लॉक हैज फॉलन हाउ हैप्पी आई एम. नेहा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसकी घड़ी गिर जाती है तो वो टूट जाती है तो नेहा बहुत खुश हो जाती है. टुमारो आई कैन गेट अप लेट. नेहा सोचती है अब घड़ी तो टूट गई तो मैं कल देर तक सो पाऊंगी तो मैं देर तक उठ सकती हूँ. नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म. आप देख सकते हैं नेहा सो रही है अलार्म घड़ी नहीं है. सो नेहा स्लिप्स एंड स्लिप्स. तो नेहा थोड़ी सोती जाती है. थोड़ी देर बाद द स्मॉल चर्पी बर्ड्स विच कम टू द विंडो सील एवरी मॉर्निंग. आप देख सकते हैं कि कुछ छोटी छोटी चिड़िया है वो आ गई है सुबह सुबह विंडो पर खिड़की पर आ गई है. वो हर सुबह ही आप जनरली अपने घर में सुनते होंगे कि चिड़िया की आवाज आती है. फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग. तो ये जो बर्ड्स है ये देखती है कि नेहा अभी भी सो रही है तो वो नेहा को उठाने लगती है वो आवाज करने लगती है. वेक अप डियर वेक अप फास्ट. आप देख सकते हैं जो चर्पी बर्ड्स है वो नेहा को उठा रहे हैं. नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट. नेहा उठ जाती है. ओ नो इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दिस बर्ड्स. नेहा उठते ही बोलती है कि आज तो अलार्म क्लॉक नहीं है तो ये चिड़िया ने मुझे उठा दिया. Why don't they leave me alone? वो सब मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते. Even this wish of Neha's comes true. ये भी जो इच्छा है नेहा की विश मतलब इच्छा ये भी सच हो जाती है. द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक. अगली सुबह आप देख सकते हैं ना तो अलार्म क्लॉक है ना ही चिड़िया है. देयर आर नो बर्ड्स ईदर मतलब चिड़िया भी नहीं है खिड़की पे और अलार्म क्लॉक भी नहीं है. बट देयर इज समवन एल्स हु डज नॉट वॉन्ट हर टू मिस द स्कूल बस. लेकिन कोई और है जो नहीं चाहता कि नेहा अपनी स्कूल बस छोड़े. वो कौन है कैन यू गेस हु इट इज. द बिग ब्राइट सन. सूरज सूरज की रोशनी. तो जो हमारा सूरज है वो सुबह सुबह नेहा का कमरा अपनी रोशनी से भर देता है. ही फील्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल. ओह माय आईज नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप.
नेहा सोचती है, मेरी आंखों पर ये रोशनी पड़ गई, अब ये सूरज भी मुझे उठाने लगा। Why can't he let me be? क्यों मुझे वो अपने सोना नहीं दे रहा है सूरज? Even this wish of Neha's come true. ये भी जो इच्छा है नेहा की, ये भी सच हो जाती है। Next morning, the sun is behind the clouds. आप देख सकते हैं अगली सुबह बादल आ जाते हैं और सूरज उनके पीछे छुप जाता है। So Neha snores till she hears her mother's voice. तो नेहा सोती रहती है, थोड़े खराटे आते रहते हैं और जब तक उसे उसकी मम्मी की आवाज नहीं आती वो सो रही होती है। Wake up sleepy head, you will miss the bus. नेहा की मम्मी जो है वो आवाज लगाती है कि उठ जाओ, कितना सोती हो तुम, बस छूट जाएगी। Oh no, why does mother have to wake me up? नेहा अब सोचती है, शिट, अब मम्मी को भी मुझे उठाना पड़ रहा है। There is no escape now. नेहा gets up and gets ready. नेहा के पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, उसे उठना पड़ा और तैयार होना पड़ा क्योंकि बस खड़ी थी, नहीं तो बस छूट जाती। Can you imagine what happens the next day? क्या आप सोच सकते हैं कि अगले दिन क्या हुआ होगा? Neha wakes up with a start. नेहा अपने आप उठ जाती है अगले दिन, ना तो अलार्म क्लॉक, ना सूरज, ना बर्ड्स, अपने आप नेहा उठ जाती है। Her watch says it is 6 o'clock. और वो अपनी घड़ी की तरफ देखती है जिसमें 6 बजे होते हैं। She calls out to her mother. वो माँ बोलते हुए बाहर आती है, अपनी माँ को बुलाती है। माँ, who woke me up today? और अपनी माँ से पूछते हैं कि आज मुझे किसने उठाया। Mother smiles. नेहा की मम्मी स्माइल करती है। Who is? You, of course. कोई, कौन तुम्हें उठाएगा? तुम खुद उठी हो, तुमने खुद अपने आप को उठाया है। But I was sleeping. How could I? नेहा सोचती है, मैं तो सो रही थी, फिर मैं अपने आप कैसे उठ गई? Now tell me, why do you eat your lunch every day at 1 in the afternoon? नेहा की मम्मी नेहा से पूछती हैं कि क्यों आप अपना खाना रोज दोपहर को 1 बजे खाते हो? नेहा बोलती है, I feel hungry. मुझे भूख लगती है। Why do you sleep at 9 every night? तभी नेहा की मम्मी दोबारा पूछती है कि आप रात को 9 बजे क्यों सोते हो? नेहा बोलती है, Because I feel sleepy. क्योंकि मुझे नींद आती है। There is a clock inside you which tells you. तभी नेहा की मम्मी बोलती है कि आपके शरीर के अंदर भी एक घड़ी होती है जो आपको बताती है कब खाना है, कब सोना है और कब उठना है। When to eat, when to sleep and when to wake up. Oh, I better rush now. तभी नेहा को याद आता है कि मुझे तो अब जाना है, मेरी बस बाहर खड़ी है। I don't want to miss the bus. मैं अपनी बस नहीं छोड़ना चाहती। Relax, today is Sunday. नेहा की मम्मी कहती है, आराम करो, आज संडे है, छुट्टी का दिन है। ओह, नेहा खुश हो जाती है। तो ये था नेहा's अलार्म क्लॉक। आई होप कि आपको मेरा हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।